सेब का पौधे में इस प्रकार से कटिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि कटिंग ना करें तो इसमें फल नहीं लगते। जैसे बेकार की टहनी आगे जा रही है, उसको रिंग के पास से कट करना है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपकी फार्मादा जर्नलिस्ट लीना शर्मा आज आपको सेब के पौधों में जो कटिंग करते हैं उसको किस तरह से किया जाता है और क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ बागवान से जानते हैं कि किस तरह की कटिंग करते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखते हैं, प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। कटिंग, मैं प्राकृतिक बागवान रमेश शर्मा। सेब का पौधे में इस प्रकार से कटिंग करना आवश्यक होता है, क्योंकि कटिंग ना करें तो इसमें फल नहीं लगते। फल उतने ज़्यादा अच्छे लगते, उतने अच्छे और ज़्यादा लगते हैं जितने ठीक ढंग से प्रोनिंग की जाती है। प्रोनिंग में जो बेकार की टहनी है उसको काट देना है और इसमें गिलोय भी साफ लगी हुई है, एक घर का पौधा है, इसमें रॉयल का पौधा है, ये इसमें कभी आज तक कटिंग नहीं हुई है, पहली बार इसमें कटिंग का मौका मिला हुआ है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि कटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है, जो प्रोनिंग आप कर रहे हैं। प्रोनिंग यहाँ पतली तथा जो बीमा, कौन सी टहनी है जिनको काटा जाता है इसमें? हाँ, जैसे बेकार की टहनी आगे जा रही है उसको रिंग के पास से कट करना है तथा इसमें देखना है कहाँ जैसे बीम में है, हमने फल भी लेना है और अधिक घनी टहनी इसमें रखनी नहीं है और अधिक घनी टहनी रखने से जो है फल कम लगते हैं। और ये है कई जगह सूखा कैंकर भी लग जाता है, तो उसको वो जहाँ तक हरी है वहाँ से आगे काट देनी चाहिए जहाँ से सूखा है। जैसे ये है, इसको बिल्कुल काट देना है यहाँ से। इसकी कटिंग सबसे पहले तो इसकी कटिंग जनवरी से प्रारंभ होती है और जनवरी में ही इसकी कटिंग होनी आवश्यक है, फरवरी 15 तक, वैसे तो मार्च तक चली रहती है, मौसम के पर आधारित है। यदि बारिश ना हो तो पहले भी समाप्त करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जब रस तड़ जाता है, रस आ जाता है, तो यह कटिंग बंद करनी पड़ती है। और कटिंग ओनली सेब के प्लांट में की जाती है कि और औरों में भी की जाती है, परंतु औरों में आवश्यक वो अलग अलग ढंग करने का है, सेब में अलग ढंग करने का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। इसी तरह से किसान भाइयों, में आपको एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।